आज मैं आपको इस वीडियो में अंडरग्राउंड पाइपिंग के साथ नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये पाइपिंग हम लगाएंगे और पाइपिंग लगाने के बाद इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें एंड स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है वीडियो को फुल वॉच करें। एंड हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन बुटीक। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे। तो नेक कटिंग करने के लिए हमने ये पेस्टिंग ली है, डबल फोल्ड में ये पेस्टिंग है। और देखिए चौड़ाई में जो है ये 4.5 इंच ओपन हो गए, 9 इंच हो जाएगी। और लेंथ वाइज देखिए 17 इंच है ये, इस तरीके से 17 इंच जो है लेंथ में और 4.5 इंच इस तरीके से चौड़ाई में। अब ये डबल फोल्ड है और ऑन फोल्ड वाली साइड से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे 2.5 से, देखिए 1 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा लेके 2.75 से कम, देखिए इस तरीके से इस पर मार्क लगाएंगे हम। और लेंथ का मार्क लगाएंगे, जो लेंथ है हमारी नेक की वो 7.5 इंच जो है रेडी है, तो 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे हम। एक मार्क हम और लगाएंगे 1 इंच इससे एक्स्ट्रा, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम एक 8 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1 इंच और एक्स्ट्रा करके ये हम मार्क लगाएंगे। अब ये जो है हम बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे भी 2.5 से 1 पॉइंट आगे करके इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने बॉक्स बना लेना है। अब जो ये हमने मार्क लगाया था 8 इंच पे, देखिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर पे एक मार्क लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और इन दोनों मार्क को देखिए इस तरीके से शेप देके मिला देंगे। देखिए इस तरीके से ये मार्क हमें मिलाने के बाद ये जो हमने 1 इंच पे नीचे मार्क लगाया था यहाँ पे जो है राउंड शेप देंगे। देखिए इस तरीके से जो है ये हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। एंड ये राउंड शेप देने के बाद यहाँ से जो है 0.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ से 0.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। देखिए एक मार्क हम लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे 15.5 इंच पे। और यहाँ पे जो हमने 0.25 इंच पे एक मार्क लगाया था एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको इससे हम शेप देके मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो है ये हमने शेप देके मिलाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने चौड़ाई रखी है, यहाँ हमने 0.25 इंच की रखी थी तो लगभग यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा करके लिए, यहाँ 1.25 इंच की जो है ये चौड़ाई में यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये इस तरीके से राउंड शेप दी है। अब इसके बाद जो ये हमने मार्क लगाया था यहाँ पे 1 से 1 पॉइंट जो ये कम है इतना लेंगे हम और पूरे में मार्क लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से जो है ये नेक ड्रो हो गया है। इसमें जो है मैं एक आपको जो है लाइट ये देखिए येलो कलर की इसमें चौक लगा के एक बार हम पूरे में मैं आपको मार्क लगा के दिखाती हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से येलो कलर की चौक से मैंने जो है फाइनल इसमें मार्क लगा लिया है उसके ऊपर रिपीट, देखिए आपको दिखाने के लिए। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से मैं पिन लगा लूंगी इस पे नेक पे, देखिए इस तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पिन लगा के आप कटिंग करें तो आपका बहुत अच्छे से कटिंग होगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप बिना पिन लगाए भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब लगाने के बाद अब सबसे कॉर्नर पे जो हमने मार्क लगाया था इसको कट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो है कॉर्नर वाला हमने कटिंग कर दिया है मार्क। अब जो है ये हमने मार्क लगाया था इसको कट करेंगे। देखिए इस तरीके से जो है हमने ये मार्क को कट कर लिया है एंड ये जो हमारा नेक जो है कटिंग हो गया है, देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब जो इसको है हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे, गोल्डन कलर के फैब्रिक पे मैं इसको पेस्टिंग को जो है पेस्ट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे रॉन्ग साइड पे और सेंटर वाला जो हमारी पेस्टिंग है उसको भी हम रखेंगे इस तरीके से सेंटर में और इसकी हेल्प से जो है बिल्कुल हम इसको मिलाते हुए शाइनिंग वाली साइड को रॉन्ग साइड पर रखते हुए देखिए इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक जो है हमारा कटिंग हो गया है और साइड से आउट में भी जो है हमने इसमें कटिंग कर लिया है फैब्रिक। देखिए आधे से 0.25 इंच आप ले सकते हैं क्योंकि ये फोल्ड होगा हमारा। तो देखिए इस तरीके से ये नेक पेस्ट होने के बाद जो हमारी ये कटिंग हमने जो मार्क लगाया था यहाँ पे इसको कट कर देंगे।
देखिए इस तरीके से जो हमने कटिंग कर ली है, एंड ये वाले जो है हम किस पे पेस्ट करेंगे, जो हमारा कुर्ती का सेम फैब्रिक है। देखिए हमारी कुर्ती ये है, देखिए इस तरीके से हमारा कुर्ती का फैब्रिक है, तो ये हम कुर्ती पे पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये रॉन्ग साइड पे जो है, मैं इसको भी इस पे अच्छे से पेस्ट इस पे कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमने सेंटर वाला जो पार्ट है, हमारे सेंटर वाला पेस्टिंग है, उसको भी हमने पेस्ट कर लिया है। और यहाँ से जो है हमने हाफ इंच से भी कम इसमें गैप देते हुए यहाँ पे कटिंग किया है, और इधर जो है हमने पौना इंच के गैप पर कटिंग किया है। ये देखिए इस तरीके से। ये कटिंग करने के बाद सेम इसी तरीके से एक फैब्रिक हम और कटिंग करेंगे। देखिए देखिए इसके ऊपर रख के मैंने एक फैब्रिक और कटिंग कर लिया है बिल्कुल इसी के बराबर। देखिए इस तरीके से, देखो इस तरीके से ही हमें लेना है ये डबल। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग हम किस तरीके से इसमें लगाएंगे, वो अंडरग्राउंड लगाएंगे हम। एंड इस पे पाइपिंग देने, पाइपिंग जो है हम इसमें सुतली से नहीं लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे देखेंगे। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें लुक आती है, देखिए इस तरीके से। तो देखते हैं आप किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे। एंड सबसे पहले ये वाला पार्ट लेंगे हम, एंड इसको जो है पूरे में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको पूरे में फोल्ड कर लेंगे हम, कच्चा कच्ची सिलाई लगा के। और यहाँ पे जो है हम कट लगाएंगे इसमें, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है दोनों साइड में हम कट लगा देंगे। एंड कट लगाने के बाद जो है इसको इस तरीके से सिंपल हम जो फोल्ड करके इसमें पूरे में एक 5 नंबर की स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने इसको फोल्ड करके इस पे स्टिच लगा दी है पूरे में। एंड स्टिच लगाने के बाद देखिए 3 स्टिच के बाद जो है हमने कट्स लगाए हैं। देखिए इस तरीके से पूरे में हमने ये जो है कट्स लगा दिए हैं। अब जो है सेंटर में हमने क्रीज बना के जो है सेंटर में कट भी इसमें लगा लिया है। एंड अब इसको जो है हम नेक को कुर्ती में लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये जो है हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, और इसमें जो है हमने सेंटर में क्रीज बना ली है। एंड सेंटर क्रीज बना के सेंटर में कट भी लगाना है। एंड इस तरीके से ये जो है हमारी रॉन्ग साइड है और ये जो है हमारी राइट साइड है, तो ये रॉन्ग साइड पे हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमने जो है पिन से सेट कर लिया है नेक को। अब जो है पेस्टिंग के कॉर्नर पे यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ये नेक हमारा लग गया है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये स्टिच को स्टिच से मिलाएंगे, और इस तरीके से देखिए ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट लगा है। एंड अब इसके बाद जो है इसको हम कटिंग कर देंगे, यहाँ पे 0.25 इंच के गैप पे इसमें पूरे में कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। अब जो है हम इसमें कट्स लगा देंगे। देखिए कटिंग करने के बाद ये हम कट्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने कट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो है इसको हम फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद जो है ये कॉर्नर पे हम पूरे में स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉर्नर पे हमने स्टिच लगा दी है, अब एक यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने स्टिच दोनों लगा ली हैं, अब जो ये हमने स्टिच लगाई थी कच्ची सिलाई हमने लगाई थी, इसको हम निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कट्स लगाने से जो है ये स्टिच जो है इजीली निकल जाती है। अब जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है, देखिए इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड था वो हमने निकाल दिया है। अब जो है हम जो इसका सेंटर वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। इस तरीके से जो है ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट हमने कट किया था ये दो, अब इसे लेंगे हम। और सबसे पहले जो ये पेस्टिंग पे हमने पेस्ट किया था, सबसे पहले इसे हम लेंगे। एंड इसके बाद एक हमने ये लिया है पाइपिंग के लिए पट्टी। देखिए स्ट्रेट ये इस तरीके से काटी है, ये कोई तिरछी पट्टी नहीं है। हमने किस तरीके से कटिंग करना है देखिए, इस तरीके से आप रखेंगे फैब्रिक को, और यहाँ से ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से 1.5 से 2 इंच नीचे तक लेके हमने बस सिंपल इस तरीके से इसको कट करना है। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है चौड़ाई में, देखिए इसी तरीके से लेंगे। तो लेंथ वाइज जो है यहाँ से
लगभग 2 इंच नीचे करके आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इधर कॉर्नर पे एक स्टिच लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरीके से ये जो है हमने एक स्टिच लगा ली है पूरे में। एंड ये स्टिच लगाने के बाद ये हम लेंगे जो हमने पाइपिंग लगानी है, जिसकी ये राइट साइड है हमारी और ये हमारी इसकी पेस्टिंग की राइट साइड है। देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे राइट साइड को राइट साइड से मिलाते हुए, और इसके ऊपर पेस्टिंग के कॉर्नर पे हम इसमें स्टिच लगाएंगे। पेस्टिंग के ऊपर लगानी है ये स्टिच, क्योंकि हम यहाँ पे पाइपिंग निकालेंगे। तरीके से ये स्टिच हमने लगा ली है, अभी हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद एक सेंटर में कट लगाएंगे और बाकी इस तरीके से हम कट्स लगा देंगे। देखिए इस तरीके से अब इसको जो है टर्न करेंगे। देखिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे जो है कॉर्नर पे एक स्टिच हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से जो है ये पाइपिंग हमारी लग गई है। एंड पाइपिंग लगने के बाद ये जो है इसके बराबरी कर देंगे हम, फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों को इक्वल। इक्वल करने के बाद ये एक फैब्रिक और लेंगे जो हमने इसके इक्वल में कट किया था। अब देखिए इसको, ये हमारी राइट साइड है और इस तरीके से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से जो है स्टिच लगाएंगे। देखिए अब निडल को इसके अंदर रखेंगे और इसके बाद टर्न करेंगे, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे भी स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे फैब्रिक को, देखिए इस तरीके से। देखिए अच्छे से इस तरीके से टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फिनिशिंग से हमारा ये लगा है। तो आप चाहो तो इसको आयरन करके अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। एंड एक स्टिच मैं ऊपर और लगा दूंगी इसमें। देखिए इस तरीके से ये जो है स्टिच हमने लगा दिया है। एंड स्टिच लगाने के बाद जो ये हमने पेस्टिंग के कॉर्नर पे स्टिच लगाई थी, ये ऊपर हमारी हाईलाइट हो रही है, देखिए इस तरीके से। तो इसी के ऊपर एक स्टिच हम इसको लगा देंगे ताकि ये दोनों फैब्रिक जो है ज्वाइंट हो जाएंगे आपस में। देखिए इस तरीके से ये पूरे में हमने स्टिच लगा दिया है इसमें। एंड इसके बाद ये जो है फैब्रिक, जैसे ये दोनों अनइवन हो रहे हैं, इसको दोनों को जो है मिला देंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने इस पे जो है इक्वल कर लिया है इसको। अब जो है यहाँ पे मैं इसमें इंटरलॉक कर लूंगी, और अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड ये वाला जो फैब्रिक है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों को इसको एक के ऊपर एक, देखिए इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर आप स्टिच लगा लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपके पास है मशीन तो आप इस सिंपल जो है इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। तो मैं इसमें इंटरलॉक कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मैंने इंटरलॉक कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब इंटरलॉक करने के बाद इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो दो है, देखिए ये नोक जो है हमारी, देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे दोनों जो है स्टिच हमारी शो कर रही है। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसमें एक पिन लगा देंगे, देखिए इस तरीके से एक और पिन लगा देंगे। इसी तरीके से इसको भी हम सेट कर देंगे, इसे भी पिन से, देखिए इस तरीके से पिन लगा देंगे यहाँ पर। एंड इस तरीके से ये सेट करने के बाद इसको भी हम अच्छे से सेट करते हुए पिन से सेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम पिन से सेट करेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें स्टिच लगाएंगे। ये जो हमारा हमने स्टिच लगाई थी, इसी के साथ हमने मिलाना है, इसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, देखिए इस तरीके से, इसके साथ ही बिल्कुल इक्वली हमने इसको मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमने अच्छे से पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डबल स्टिच लगाएंगे एंड उसके बाद सिंगल स्टिच लगाएंगे और एंड में फिर यहाँ पे फिर से हम डबल स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ये नेक हमारा बन गया है। एंड नेक बनने के बाद यहाँ पे सेंटर में जो है हम बटन लगाएंगे। ये जो है बैक साइड से लुक है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग से ये नेक हमारा बना है। एंड देखिए फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड पे जो है हम बटन लगाएंगे। जो साइड में हमने गोल्डन फैब्रिक लगाया था, इसी का जो है हम, देखिए इस तरीके से बटन लगाएंगे हम।
ये फैब्रिक वाले बटन है, देखिए इस तरीके से आप जो है रेडीमेड भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 3 बटन मैं इसके अंदर लगाऊंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।